आओ विनायक प्यारा ओ तुमरी दी सिद्धि लेकर आओ विनायक एक बार दोनों हाथ खड़े कर जोरदार जयकार आप सभी भक्त लोग लगाएं, क्योंकि जितनी जयकार लगाएंगे उतनी जीवन आपकी पवित्र होती जाएगी। दोनों हाथ खड़े बोले बालाजी महाराज की, ओ धन शिवरा पवन कुमार मारा बालाजी, ए मर कर दीजे कल्याण मारा बालाजी, सिया राम का सेवक प्यारा, ओ सिया राम का सेवक प्यारा, अरे महाजनी का लाल दुलारा, ओ महाजनी का लाल दुलारा, पिताजी को नाम मारा बालाजी, ये मारो कर दीजे कल्याण मारा बालाजी, we'll be right back।
कलयुग रा देवता। मंगल ने शनिवार बालाजी ओ थारा वरिति करे नर नारी बाला। अरे मंगल ने शनिवार बालाजी ओची वरिति करे नर नारी वो बालाजी। हरि बोले 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 ओ हरि बोले रे जे जे कार मारा बाला जी। ओ हरि पूजे जे जे कार मारा बाला जी। लंकापति राजा रावण मां सीता को हरण कर ले गयो लंका में। और जब राम और रावण के बीच में महायुद्ध भी हुई, युद्ध का मायने मेघनाथ लक्ष्मण जी के शक्ति बाण लगायो और लक्ष्मण जी महाराज मूर्छित अवस्था में पूरो वानर दल घबरा गयो। और भी विपदा का मायने बालाजी महाराज एक बड़ो कदम उठायो। राती रात पवन वेग सु बालाजी महाराज गया और द्रोणागिरी पर्वत उठा लाया। सरजीवन मूटी लावे बालाजी महाराज और लक्ष्मण जी का प्राण उभरे। एक बार इन दोनों बच्चों के लिए जोरदार ताली बजाएं आप सभी पांडाल से, क्योंकि बालक हमेशा भगवान का रूप होता है और वही रूप आपके बीच में दर्शाया जा रहा है प्रभु श्री राम और उनकी गोद में लेटे हुए लक्ष्मण जी महाराज। एक बार जोरदार जयकार लगाएं आप सभी, बोले सियावर रामचंद्र भगवान की, बोले अरे राम रावण में जगड़ो भारी। ओ राम रावण में जगड़ो भारी, जगड़ो भारी जगड़ो भारी। और मेघनाथ ने शक्ति मारी, राम रावण में जगड़ो भारी, मेघनाथ ने शक्ति मारी। राम रावण में जगड़ो भारी, मेघनाथ ने शक्ति मारी। ओ जब वानर दल घबराए मारा बालाजी। ओ जब वानर दल घबराए मारा बालाजी। ये देखिएगा बिल्कुल पर्वत तो नहीं ला सकते लेकिन उनका स्वरूप लेके आ गए। एक बार जोरदार ताली बजाएं बालाजी महाराज के स्वरूप के लिए। दोनों हाथ खड़े कर एक बार जोरदार जयकार भी लगाएं, बोले बालाजी महाराज की। अरे पर्वत लेकर आवे बालाजी, ओ पर्वत लेकर आवे बालाजी।
लक्ष्मण जी ने घोल पिलावे राजा जी, लक्ष्मण जी ने घोल पिलावे राजा जी। ओ जज गले मिले रे दोनों मारा राजा जी, सर जीवन बहुत लाई लक्ष्मण को बोल मिलाई, गले मिल गए दोनों भैया जीना लगे, के दिल ना लगे। प्रभु श्री राम कहने लगे कि हे लखनवा, उठ खड़ा हो लक्ष्मण भैया जीना लगे, ओ भातिया नहीं जाना कि जीना लगे। कितना प्रेम था भगवान और भक्त के बीच में। एक बार जोरदार जयकार बोले भक्त और भगवान की। एक उम्मा तेरे मारा बाला जी, कम्मड़ कम्मड़ बोठो सर में मंदिर भारी पूजे जाने दुनिया सारी, साला सर में मंदिर भारी अरे पूजे जाने दुनिया सारी, ए तू कर सबको कल्याण मारा बालाजी। देखिएगा अब तो ताली बनती है, तीनों डांस कर रहे हैं आपके लिए। मीठी मीठी ताली बजाएं एक बार। कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना, कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना, दीवाना 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 दीवाना। और मीठी मीठी ताली ओ छम 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 नाचते कबीर हनुमाना, छम छम नाचे छम छम नाचे छम 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 नाचे वीर हनुमाना।
दीवाना ओ दीवाना चम 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 नाच दे कबीर हनुमाना चम चम नाच दे कबीर हनुमाना इस सत्संग को एक और रूप देते हुए, क्योंकि जहां जहां कीर्तन होता श्री राम का वहां वहां पहरा लगता हनुमान का, यानी कि जिस गांव जिस गली जिस शहर जिस घर के अंदर या जिस सत्संग के अंदर अगर भगवान श्री राम का गुणगान होता है तो वहां चारों तरफ बालाजी महाराज का पहरा लग जाता है। तो आएगा इस दरबार में हम बालाजी महाराज की कृपा बरसाते हुए भगवान अमंगल हारी ओ द्रभु सुदशी रति अजी रि बिहारी राम सिया राम सिया राम जे जे राम सिया राम सिया राम जे जे राम। और मेवाड़ में चाहे राजसमंद जिला हो चाहे उदयपुर हो भीलवाड़ा हो लोग बड़े आनंद के रूप में सत्संग को श्रवण करते हैं और मुझे भी ऐसा विश्वास है इस दरबार में सभी लोग इस कीर्तन को गाएंगे मेरे साथ में। दोनों हाथ बिल्कुल ऊपर आसमान की तरफ भगवान से मांगते हुए इस दरबार में प्रार्थना करते हुए कि हे राम राम सिया राम सिया राम जे जे राम सी। देखिएगा सभी की आवाज आ जाए क्योंकि जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना मिलेगी काम से जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना मिलेगी काम से अरे थोड़ा समय ऐसा निकाल ले कि प्रेम कर ले मेरे प्रभु श्री राम से। इसलिए मीठी मीठी ताल बजाते हुए सभी की आवाज आ जाए एक बार मीठा मीठा राम सिया राम सिया राम जय जय राम क्या बात है और हो रघुकुल रीति सदा चली आई हो अरे प्राण जाए पर वचन न जाए राम सिया राम सिया राम जय राम सिया राम सिया राम जय राम राम सिया राम सिया राम जय राम। और सतयुग द्वापर युग और त्रेता युग इन युग के अंदर इंसान को जीने के लिए बहुत ही कठोर कठोर नियम थे मर्यादाओं में उनको रहना पड़ता था लेकिन इस कलयुग के अंदर संत महात्माओं ने लिखा कि केवल राम का नाम लिया जा प्रभु का गुणगान किए जा तेरा बेड़ा पार निश्चित है। इसलिए कलयुग के अंदर अगर भवसागर से पार होना है तो प्रभु श्री राम का गुणगान करें उनके बताए हुए मार्ग पर चलें ताकि ये जीवन ये मनुष्य तन सफल हो जाएगा। तो कहा कलयुग केवल नाम आधारा ओ, 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 अरे सुमिरी सुमिरी भव उतरो पारा राम जी हरा राम जी तेरा राम जी